हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्सफाइल इनवॉइस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। आज का हमारा टॉपिक है डैशबोर्ड इन जीएसटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम जीएसटी सॉफ्टवेयर पर जैसे ही लॉगिन करेंगे, हमें मेन पेज पर डैशबोर्ड शो होगा। मेन पेज पर जैसे हम डैशबोर्ड पर देखेंगे, यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करनी है, आपको जिस ईयर का डेटा चाहिए आपको लेना है, देन आपको लोड डेटा करना है। ओके, यहाँ पे अब दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डैशबोर्ड वन एंड डैशबोर्ड टू। डैशबोर्ड वन पे हम जाएंगे, ITC पे आपको जो भी ईयर है वो सिलेक्ट करनी है। आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। देन आपको यहाँ पे मंथ वाइज डेटा दिया हुआ है, जिसमें ब्रॉड फॉरवर्ड, करंट क्रेडिट, टैक्स पेबल, एक्जेस पेबल आपको बताए गए हैं, तो आपका जो भी डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। देन नीचे भी इसी तरह से दिया हुआ है, जुलाई टू दिसंबर तक आपके डेटाज जो भी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, देन हम सेकेंड साइड देखेंगे, आपको लेजर्स अवेलेबल है, टैक्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, बुक अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। यहाँ पे जो भी डेटा है वो आपको शो होंगे। अब यहाँ पे जो भी, जब भी आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका लेजर ओपन हो जाएगा। ओके, देन हम यहाँ से एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद हम डैशबोर्ड टू पे जाएंगे। डैशबोर्ड टू पे आपको आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस है, मंथली लेजर एंड ऑनलाइन लेजर। यहाँ पे मंथली लेजर पे आपको जो भी है वो ऑफलाइन डेटा दिखाई देगा। देन सेकेंड साइड आप देख सकते हैं सेल, परचेस, रिसिप्ट, पेमेंट, यहाँ पे वो जो भी आपके डेटास है वो यहाँ पे आपको शो होंगे। देन नीचे आप देख सकते हैं GSTR 1, GSTR 2, GSTR 2, 3 भी जो भी है वो यहाँ पे, अगर आपने फाइल की है तो दिखाई देगा और आपने फाइल नहीं की है तो अनफाइल दिखाएगा। ओके, अब हमें ऑनलाइन लेजर पर जाना है। ऑनलाइन लेजर पर जाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी डेटा है वो ऑनलाइन गवर्नमेंट की साइट से फेच होकर यहाँ पर आ जाए, तो आपको फेच डेटा पर जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको जो भी कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डालकर सबमिट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका जो भी डेटा है वो गवर्नमेंट की पोर्टल से यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ओके, और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी डेटा है वो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। आप एक्सेल शीट में आपका जो भी डेटा है वो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। देन अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कस्टमर केयर के IVR नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9510056789 एंड दूसरा नंबर है 9510156789। थैंक यू।